इसके प्राण बहुत शेष नहीं शरीर में रह गए हैं, इसके प्राण बहुत तीर से झर गए हैं इसके प्राण, और ऑक्सीजन इसके ब्रेन में नहीं पहुंच पा रही ठीक से, खून में भी इसकी ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम है। ये बहुत पैसे बहुत दवाइयों में जा रही, तभी भी कोई असर नहीं है गुरुजी। इसके प्राण वापस लाए जाएं, माँ से थोड़े से प्राण दिए जाएं बच्चे में। बंधन कीजिए, एक एक करके आइए। गुरुजी प्रणाम। ये मेरा बेटा 3.5 साल का हो गया गुरुजी, अभी बैठता नहीं चलता नहीं। मेरी डिलीवरी के टाइम शुगर हो गया था और ये अभी बैठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, फिट्स लेता है ये, है ना। इसको बहुत दवाइयाँ हम करा रहे गुरुजी, प्लीज अपना कृपा दिखाइए गुरुजी इस पर। इसके डैडी भी आए हैं गुरुजी, इसकी बहन भी है, यहीं पर आई है। बेटा ये बच्चे का जीवन बहुत खतरे में है, इसके प्राण बहुत शेष नहीं शरीर में रह गए हैं, इसके प्राण बहुत तीर से झर गए हैं इसके प्राण, और ऑक्सीजन इसके ब्रेन में नहीं पहुंच पा रही ठीक से, खून में भी इसकी ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम है। ये बहुत ज़्यादा खतरे में बच्चा है। सब जितने बच्चे हैं ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम है। पापा भी आए, बुला लें। ये देख लें, ये इसके कष्ट हैं, पढ़ लीजिए। ये सारा सब कष्ट है बेटा, बुरी तरह से ही बच्चा बहुत डेंजर जोन में है, और ये कोमा में धीरे धीरे बच्चा कोमा की ओर जा रहा है, अर्धबेहोशी में जा रहा है। इसको ये नहीं पता लगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, होश में नहीं रह रहा है। सर इसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली परेशान है, इसकी दोनों बहनों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसका जीवन दिखाया बहुत बेकार। पैसे बहुत दवाइयों में जा रही, तभी भी कोई असर नहीं है गुरुजी। इसके प्राण वापस लाए जाएं, माँ से थोड़े से प्राण दिए जाएं बच्चे में, अंदर किए जाएं बच्चे में। आँख बंद करें, बैलेंस 3 बार बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, असाध्य रोग हैं बेटा। सुनिए तो, बुलाने कोई फ़ायदा नहीं, बता दिया, एक ही बात है, एक दिवसीय अनुष्ठान में जाएं, बच्चा बहुत डेंजर जोन में है ठीक है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, एक नहीं तमाम असाध्य रोग हैं, स्पाइन इसकी बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गई है बिल्कुल, है ना, एकदम बहुत बुरी तरह से डैमेज है बच्चा, स्पाइन में दम नहीं है बिल्कुल, बहुत लंबा समय लग सकता है इसको। अगर आप धैर्य हो तो दरबार से जुड़ करके आप करें अनुष्ठान, ठीक है, खुशी।